पाम संडे हम पाते हैं बाइबल में यरूशलेम में विजय प्रवेश लूका 19 अध्याय के 28 से 40 पद में। यह बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उसके आगे आगे चला। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास पहुंचा, तो उसने अपने चेलों में से दो को यह कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यह कह देना कि प्रभु को इसका आयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उससे कहा था वैसा ही पाया। जब एक गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिक ने उससे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उनको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वह जा रहा था तो उसने वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा, तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ्य के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े सब से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। यीशु ने फरीसी को उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि वे चुप रहे तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, पाम संडे का इसलिए मनाया था क्योंकि जब यीशु मसीह यरूशलेम प्रवेश करते हैं तो वहाँ जो भी मतलब प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किए थे, वहाँ पास उसके चेले, उसकी मंडली जो थे, उसकी सामर्थ्य कामों को जो किए थे, उन्हें बड़े आनंद के साथ होकर उसकी महिमा स्तुति करने लगे और वहाँ कहने लगे, धन्य वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। हालेलुया। इस वचन को सभी जगह शेयर कीजिए ताकि और भी लोग आशीष प्राप्त कर सके। गॉड ब्लेस यू।